चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है और डीएम और कमिश्नर जब तक वहाँ रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। सुल्तानपुर, बनारस, सोनभद्र, बिलारी, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, मुर्गे की गाड़ी से कूड़े की गाड़ी तक हर जगह ईवीएम, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स। क्या मजाक बना रखा है चुनाव आयोग ने, पूरे सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है। इस तरह की जो चीजें पकड़ी जा रही हैं, इस तरह की जो सामग्री पकड़ी जा रही है, चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की हथगर्मी देखिए कि अभी तक कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की सतर्कता की वजह से पूरा खेल खुलता हुआ कुछ इलाकों में जरूर नजर आ रहा है। लगातार इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठा है। ये जो नाम मैंने शुरू में आपको गिनाए, यहां पर तो पकड़ा गया सतर्कता की वजह से, और उसके बाद मामला पहुंचा अधिकारियों के पाले तक, अधिकारियों ने एक्शन की बात कही। लेकिन इसी तरह का खेल तमाम जगहों पर खेला जा रहा है। मैंने एक इंटरव्यू आपको परसों दिखाया था, उस इंटरव्यू में खुलासा हुआ कि किस तरह से बीजेपी और संघ का जो खेल था ईवीएम का, उसको लेकर जिस तरह से लगातार हर विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में भी सवालात खड़े हुए और लोगों ने कहा कि ईवीएम में खेल होता है, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं होता है, उसके लिए बाकायदा कुछ लोगों ने उसको टेम्पर करके मशीन को दिखाया और ये बताया कि किस तरह से इसके साथ खेल हो सकता है। चिप है, उसको पूरी तरह से हैंडल किया जा सकता है, चिप बदल के पूरा खेल किया जा सकता है। यह सारा दिखाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन बार बार उसको यह मानता है कि यह पूरी तरह से सेफ है। हालांकि जो उसके टेक्नीशियन हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो यह मानते हैं कि चिप से खिलवाड़ किया जा सकता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब डेवलप कंट्रीज जितने भी हैं वहां पर इस सिस्टम को नकार दिया गया है, बैलेट पर वोटिंग होती है, तो इसको क्यों आप जबरदस्ती इसको क्यों लागू करना चाहते हैं। लेकिन जब ये पूरा खेल खुल गया, मैं बात कर रहा था ईवीएम की, तो अब दूसरा तरीका अपनाया गया है, बैलेट पेपर। कोशिश ये की गई है कि हर विधानसभा में कम से कम 5000 आर्मी पर्सनल्स के नाम वोटिंग लिस्ट में डाले जाएं, उनको फर्जी तौर पर यह बताया जाए कि यह आर्मी में काम करते हैं, और उसके बाद पुलिस के जो वोट होते हैं वो इलेक्शन कमीशन में जो ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में, उनका नाम, इन सब लोगों को यह हक दिया जाता है कि वो पोस्टल बैलेट से अपना वोट का हक अदा करें। लेकिन इस तरह के 5000 हर विधानसभा में बना दिए गए हैं, और आप जानते हैं कि बिहार में 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 के अंदर हार हुई है लालू की पार्टी की। तो जाहिर सी बात है खेल पूरा खेलने की कोशिश की गई है। और दूसरा मामला जो मैंने बताया था कि किस तरह से वोटिंग लिस्ट से अचानक नाम काटे जाते हैं, उसका बकायदा एक प्रोसीजर है कि जो उसका नाम काटा जा रहा है उसके घर पर एक लेटर भेजा जाए, लेकिन कभी किसी के घर पर कोई लेटर नहीं पहुंचता, इसमें भी खेल किया जाता है। जिसको कुछ सतर्क नागरिकों ने बचाने की कोशिश की, आरटीआई वगैरह पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे यूपी में जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसडीएम हैं, उनको भेजी गई और इस पर जानकारी मांगी गई, तो उसके बाद ये काम होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन बैलेट पेपर का काम बीजेपी ने बखूबी अंदाज में किया है, और यही वजह है कि तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बयान किया जाता है जब रिजल्ट आए तो ये बताया जाए। देखिए, तमाम टीवी चैनल्स सही कह रहे थे और उस पर कोई सवाल खड़ा ना करे। मुरादाबाद के मंझोला मंडी में एक 1449 बैलेट पेपर और 3 गुल्लक अंदर ले जाते हुए पकड़े गए। फहीम अहमद, जो बिलारी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, वो एसडीएम से बहस कर रहे हैं, और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर 1450 बैलेट हैं और बैलेट के साथ साथ लिफाफे भी रखे हुए हैं। जब किसी से पोस्टल
वोट मंगाया जाता है बैलेट के जरिए, तो उसको लिफाफा भी दिया जाता है ताकि वो उसी लिफाफे में रख करके अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में भेजे। ये लिफाफे भी यहां पर मौजूद है। सुनिए क्या इस तरह का किस तरह का झगड़ा हो रहा है और किस तरह की बहस अधिकारियों से फहीम जो यहाँ के विधायक है वो कर रहे हैं। फिर प्रत्याशी हूँ और आई नो वेरी वेल मौजूदा विधायक इलेक्शन कमीशन ही इज नथिंग पर्सन। इसने मेरी जेब में हाथ कैसे डाला? सर पहले मेरी बात सुनिए, वो कौन है? He is an officer. Mr. Tehsildar is there. हम है, SPR is there. IPS ICO is there. हम है. Who is this? कौन है वो? उसने कैसे इस मेरी जेब में हाथ डाला? जब मैं तहसीलदार साहब से बात कर रहा हूँ और मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, उस बंदे ने मेरी जेब में हाथ क्यों डाला? तहसीलदार मेरे से बात कर रहे हैं, मैं तहसीलदार से बात कर रहा हूँ, उसने कैसे डाला जी? और उसका कहना ये मालिक हुआ इसका? फिर थोड़ा सा उसका, नहीं मेरी बात सुनिए, कोई बात मैंने गलत की? सर कोई बात मैंने गलत की? तहसीलदार साहब आप और मैं कोई बात गलत तो नहीं हुई? मेरी और आपकी बात चल रही है, उसने मेरी जेब में क्यों हाथ डाला? उसने मेरी जेब में क्यों हाथ डाला? बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, सुन लो सर, एक पांच मिनट बात तो कर लीजिए हम लोग। नहीं इसमें बात नहीं होगी, कोई भी पहले उससे बात होगी जिसने हाथ डाला। रुक जाओ एक मिनट, हाथ डालने को छोड़ो, पहले ये जवाब दे होगी इसकी, आए क्यों? बैलेट पेपर यहाँ पे आए कैसे भाई? कल काउंटिंग होनी है, आज बैलेट पेपर आ रहे हैं यहाँ पे। इलेक्शन रहे रहेगा, छोड़िए आप, ऐसे थोड़ी कराएंगे आप। मेरी जेब में मैं बैठाया हूँ अभी, मेरी जेब में हाथ डालने की हैसियत कैसे हुई? संदूक कुछ भी हो, अरे दिस इज अनदर इशू, एनटीसी इज अनदर इशू, इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है। उन्होंने मेरी जेब में हाथ कैसे डाला? इशू ये है ही नहीं। मैं तहसीलदार साहब से डिस्कस कर रहा हूँ, तहसीलदार साहब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तहसीलदार साहब से बात कर रहा हूँ। मेरी बिल्कुल ठीक बात चल रही है, हम समझ रहे हैं, हर बात हम समझेंगे, हम अच्छे थोड़ी हैं, हम और ये दोनों भाई समझदार। मेरे जेब में हाथ डाला, बंदे ने मेरी जेब में हाथ डाला, बंदे ने मेरी जेब में हाथ डाला। देखिए इलेक्शन कमीशन का रूल 121A to Z आई नो वेरी वेल, मैं पूरा इलेक्शन कमीशन पढ़ा हुआ हूँ, मुझे अपनी औकात मालूम है, मुझे इनकी हैसियत मालूम है, मुझे किस वक्त क्या करना है ये मुझे मालूम है। मैं अभी बुकलेट मंगा रहा हूँ, अब सब कुछ होगा प्लानिंग से और सब कुछ होगा रूल्स के बिल्कुल उसके मुताबिक, रूल्स के हिसाब से होगा। अगर रूल्स में है तो सब कुछ ठीक है और रूल्स में नहीं है तो गलत है, चाहे मैं हूँ आप हूँ बिल्कुल। अब मेरी एक गुजारिश है आपसे एसपी आरे साहब, आप मेरे बड़े हैं, सुन लीजिए, हम आपका लिहाज कर रहे हैं। मेरी जेब में उसने हाथ क्यों डाला, इसका क्वेश्चन का जवाब सर जी कोई नहीं है, कुछ नहीं गया, प्यार से बात कर रहे हैं। जब वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ी ईवीएम से एक भरी हुई गाड़ी और वहां पर काफी हंगामा हुआ, फिर उसके बाद तमाम अधिकारी घटना पूरे स्थल पर पहुंच गए, लेकिन जिस तरह से ये सतर्कता दिखाई गई समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके जरिए और इस गाड़ी को पकड़ा गया, सुनिए। इस पूरी घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले में वो जांच की बात कर रहे हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई हैं और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है, और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहां किया है और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे।
क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। सोनभद्र में बैलेट पेपर भारी संख्या में मिले हैं, बॉक्स भी भारी संख्या में मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा खेल चल रहा है। जैसे बैलेट पेपर की इतनी वीडियो हो रही है, निकाल के बाहर आ रहा है, देखो बाहर बाहर, इस पर कोई मोहर नहीं है, किसी के लिए खाली पेपर स्ट्रांग हुआ, कूड़े के ढेर के नीचे अंदर जाते हुए। अरे यार अभी थोड़ी देर में बात करिए, 1450 बैलेट पकड़ लिए साथ है यार, तीन गुल्लक है, अरे पैकिंग का सामान है सारा, गुल्लक पैक करने का सामान भी है इसमें, और कुछ नहीं है लिफाफे जी, इसमें लिफाफे में तो जाएगा ये, कि हर लिफाफे में एक पैक हो रहा था। ये सादे बैलेट पेपर हैं, इसमें कोई भी किसी तरह का निशान वगैरह नहीं है, ये लिफाफे वगैरह हैं, पूरी कंप्लीट सामग्री है पोस्टल बैलेट वाली, ये देख लिया ना जी। बनारस और बरेली सहित उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में थोक के भाव ईवीएम मशीनें और कोरे डाक मतपत्र इधर से उधर किए जाने की आपराधिक हरकतों के लाइव वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद संबंधित जिलाधिकारी पूरी बेशर्मी और दिलेरी के साथ जो बोल रहे हैं, वे ऐसा ही चलेगा, जो किया जाए सो कर लो, ये दम्भी अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। कानपुर के जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर ने तो मतगणना में बाधा पैदा करने वालों को गोली मारने तक के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शासन प्रशासन से गठजोड़ द्वारा विपक्ष को डराने की एक प्रशासनिक कोशिश है, क्योंकि पिछले 5 साल में यह साबित हो गया है कि प्रशासन सत्ता के आगे नतमस्तक होकर हर नाजायज कार्य करने में प्रयासरत रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष भाजपा को किसी भी गलत कार्य से रोकना प्रशासन के बस की बात नहीं है। अभी विपक्षी दलों पर निर्भर करता है कि वो शासन प्रशासन के शक्तिशाली घोटालों बाजों को सामने ताल ठोक कर इंसाफ के लिए लड़ना पसंद करते हैं, या धीरे से घुटने टेक कर बैठ जाना। गुजरात की पुलिस को यूपी में लगाए जाने के उन पुलिस वालों के योगी को जिताने के ऐलान के वीडियो के सामने आए हैं। इन सब के बीच सबसे रहस्यमय है केंद्रीय सूचना आयोग की चुप्पी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चुनाव आयोग जरा सा भी नहीं हिला है। कार्रवाई तो दूर की बात है, एडवाइजरी तक जारी नहीं की गई है। यहां तक कि मुख्य विपक्षी गठबंधन के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा तथ्यों और सबूतों को पेश किए जाने के बावजूद भी चुनाव आयोग उनका भी संज्ञान लेने की मुद्रा में नहीं आया है। ढीठ इतना बना हुआ है कि इन आरोपों का खंडन करने की भी जरूरत नहीं महसूस करता। लोकतंत्र के इस ध्वस्त की एक निर्धारित और तयशुदा कार्य प्रणाली मोडस ऑपरेंडी है। सबसे पहले जिन्हें उसने निर्बुद्धि भक्तों द्वारा चाणक्य कहा जाता है, वो शकुनी जीतने वाली सीटों की संख्या का ऐलान करते हैं। मीडिया में बैठी पालतू चीखा बिरादरी उसे दोहराती है। उसके बाद एग्जिट पोल में ठीक वही संख्या बताई जाती है और गिनती के दौरान तिकड़म करके उसे हासिल भी कर लिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में ऐसा ही कर चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में यही किए जाने की तैयारी है। ये उस उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है जिस उत्तर प्रदेश ने देश का सबसे संवेदनशील चुनाव देखा था। इंदिरा गांधी के आपातकाल में हुआ चुनाव भी 1977 में मार्च महीने में हुआ था, और यही उत्तर प्रदेश था जिसमें उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कई मायनों में उनसे भी अधिक ताकतवर माने जाने वाले संजय गांधी तक को हरा दिया था। यही उत्तर प्रदेश था जिसने 1971 के गोरखपुर के उपचुनाव में तब के महंत बैद्यनाथ के घनघोर समर्थन और अपनी सीट खाली किए जाने के बावजूद तब के सत्तासीन मुख्यमंत्री टीएन सिंह को हरा दिया था। यह उत्तर प्रदेश ही था जिसने स्वर्णवादी हरम के कैद राजनीति को बाहर निकालकर एक दलित युवती को शीश पर बिठाया था। लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र का
चीरहरण हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया पर पूरी तरह से सवालात खड़े हो रहे हैं, और न सिर्फ सवालात खड़े हो रहे हैं बल्कि उसके लिए बाकायदा वीडियो प्रूफ मौजूद हैं कि किस तरह से घालमेल किया जा रहा है, किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, किस तरह से पूरे इलेक्शन प्रोसेस को धता बताया जा रहा है, किस तरह से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया में इतना पैसा लगाने के बावजूद उसको धता बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी तमाम चैनल्स में जो नतीजे बताए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है और उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये दर्शाता है कि किस तरह से इस पूरे घालमेल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। फर्स्ट फेस और सेकंड फेस जो मुस्लिम बहुल है, और उसके साथ ही जिस तरह से किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हुए थे पूरी तरह से वो किसानों का एरिया है, लेकिन उसके बावजूद 47% वोट प्रतिशत बीजेपी को दिखाया जा रहा है इन एग्जिट पोल में, और ये बताया जा रहा है कि पिछली बार की स्थिति से और अच्छा ज्यादा करने जा रहे हैं। हम खुद ग्राउंड में थे, दोनों फेस को बहुत करीब से कवर किया है, इलेक्शन के दिन भी दोनों फेस में हम वहां पर मौजूद थे, लोगों से लगातार हमारी बात हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें सामने आई थी पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में यह देखने में आ रहा था कि बीजेपी का सफाया है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर, और उसके साथ ही जो ये सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं, बैलेट पेपर का जो खेल किया जा रहा है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती हैं और ये बताती हैं कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, अब बहुत देर हो गई है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।